इतनी जद्दोजहद सिर्फ इसलिए ताकि पूरा हिंदुस्तान कोरोना से मुक्त हो सके। इनके लिए क्या जंगल, क्या पहाड़, क्या नदियाँ, बस एक मिशन है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हर शख्स को वैक्सीन लग जाए। ये तस्वीरें पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड के दाहीकोचा गांव की है। इस गांव में जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, पथरीले रास्तों और नदी नाले होते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंची और 18 प्लस वालों को वैक्सीनेट किया। ये भी किसी नक्सल ऑपरेशन की तरह वैक्सीन ऑपरेशन ही है। वैक्सीनेशन के बाद ग्रामीण कितने खुश हैं, खुद ही देख लीजिए। और जो है ना, जितना भी हमारा जो पब्लिक जो है ना, हमारा गांव का जो है ना, सब वैक्सीन ले चुका है। बढ़िया है, अभी कुछ बढ़िया है। आज को बढ़िया लगा, खुश लगा, ताकि हम लोग को थोड़ा आराम लगा। हम लोग का गांव में पहले डरते थे, इस बार नहीं डरा। हम लोग का ग्राम प्रधान में थोड़ा बढ़िया सा प्रचार हुआ, बैठक भी बढ़िया बढ़िया लगा। इस गांव में कुल 15 परिवार रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी समस्या यहां पहुंचने की थी। काफी मुश्किलों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंची और 15 परिवार के 38 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई। वैक्सीन को लेकर सामुदायिक अस्पताल के डॉक्टर पुरुषोत्तम साहू का जज्बा देखते ही बनता है। रास्ते तो कठिन है, इलाका भी सुदूर है, लेकिन वैक्सीनेशन कराना हमारा लक्ष्य है। तो हम रास्ते से नहीं डरते हैं, ग्रामीणों का एग्री है, तो हम वहां पर भी आकर वैक्सीनेशन करवाएंगे। इस गांव में पहले किसी अधिकारी ने कदम नहीं रखा था। बीडीओ सीमा कुमार दौरे के क्रम में यहां पहुंची थी। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से बीडीओ को अवगत कराया, जिस पर अधिकारी ने विकास का भरोसा दिलाया। बीडीओ ने बताया कि इस गांव के लोग काफी जागरूक हैं और वैक्सीनेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई। लोगों में इतना उत्साह है कि यहां टीम पहुंची, ये काफी खुश है और लोग दूसरे गांव से भी यहाँ निकल के आ रहे हैं कि यहाँ कैंप लगा है, तो लोग जागरूक हो गए हैं। और हमें जितनी मेहनत की जरूरत थी, शायद उससे थोड़ा कम मेहनत यहाँ करना पड़ा। ये अच्छी बात है कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक हो रहे हैं। इससे वैक्सीनेट कर रहे कर्मियों में भी काफी उत्साह है। इसी तरह का जोश और जज्बा रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान से कोरोना का खात्मा हो जाएगा, देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। कनाई राम हेम्ब्रा, ईटीवी भारत, पूर्वी सिंहभूम।